नमस्कार, मैं डॉक्टर उपेंद्र भारद्वाज, सीनियर रजिस्ट्रार, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। भाइयों, ये एक पेंडेमिक का समय है। ऐसे समय में सब लोग डरे हुए हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का इतना ही है कि कोरोना वायरस और कोरोना डिसीज़ के बारे में एक मोटी मोटी समझ आपके पास बन जाए, जो कि इसके मैनेजमेंट में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। कोरोना वायरस, पहले हम समझते हैं वायरस क्या है। वायरस अपने आप में एक ऐसी निर्जीव एंटिटी होती है जिसमें कोई भी जीवन नहीं होता है। वो बाहर पड़ी हुई एक निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार करती है, जैसे पत्थर, कंकड़, मिट्टी। जब ये वायरस किसी भी जीवित व्यक्ति के शरीर में जाते हैं, तो वहाँ उस व्यक्ति की सेल में जाकर जो मशीनरी होती है हमारी प्रोटीन बनाने की, एंजाइम बनाने की, उसको कैप्चर करते हैं और ये अपने काम की प्रोटीन्स को बनाते हैं, जिससे वो सेल इन्हीं की बनाई हुई प्रोटीन को प्रदर्शित करती है और वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक बेगानी सेल करके एग्जिस्ट करती है। हमारी बॉडी इस सेल को आइडेंटिफाई करती है कि ये तो वायरस से ज़रा इन्फेक्टेड सेल है और उसको हमारी बॉडी डैमेज कर देती है। ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है वायरस के इन्फेक्शन का, ये आपको समझना पड़ेगा। अब पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक एक टाइप ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज है कि आपकी बीमारी कितने एरिया में फैली हुई है। इसके तीन टाइप होते हैं। एक एंडेमिक होती है, ये बहुत ही छोटे से एरिया में होती है। जैसे किसी नल का पानी इन्फेक्टेड है तो उस नल से जितने लोग पानी पी रहे होंगे उसको वो बीमारी रहेगी, ये एंडेमिक रहती है। दूसरी होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक कैसे होती है कि जैसे जापानीज एंसेफलाइटिस, गोरखपुर में एपिडेमिक आती है इसकी, तो ये वहाँ जो मच्छर हैं उनकी वजह से जिसको भी काटते हैं वहाँ पर जापानीज एंसेफलाइटिस बच्चों को होती है, तो ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक एक देश, एक स्टेट के लेवल की हो सकती है। एंडेमिक एक मोहल्ले और उसके लेवल की हो सकती है। पेंडेमिक क्या होती है? पेंडेमिक निराकार शब्द है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। पेंडेमिक मीन्स ऑल ओवर यूनिवर्स, कोई भी आदमी इससे अछूता नहीं है। ये पेंडेमिक को एक्सप्लेन करने का मेरा एक उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट है। जो लोग इस समय पॉलिटिकल पार्टियां, सिस्टम, मैनेजमेंट, इसके अगेंस्ट जो आप पोस्ट डाल रहे हैं, ये पेंडेमिक में कोई रूल नहीं करता, कभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, ये पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पेंडेमिक 100 साल बाद अगर आती है, तो जब तक आपको जो सिस्टम आप जो बोल रहे हो, जब तक वो सिस्टम आपको मजबूत करके रखना है। लेकिन बीच पेंडेमिक में अगर आप किसी सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो या आप उसमें कमी निकाल रहे हो, तो आप बुरा नहीं मानिएगा, आप उस को मतलब धराशाही कर रहे हो और उसमें आप कुछ फ़ायदा नहीं दे पा रहे हो। तो पेंडेमिक के बारे में मुझे समझाने का उद्देश्य यही था कि ये किसी एक आदमी की गलती और एक आदमी की अच्छाई से नहीं सॉल्व होने वाली, ये हम पूरी मानव जाति की एक साथ एक ही डायरेक्शन में पूरी कोशिश से ही कंट्रोल में होने वाली चीज़ है और ऐसा होता रहा है। मानव सभ्यता ने हमेशा से ही समझदारी से सारी पैंडेमिक पे विजय पाई है। मानव सभ्यता हमेशा से ही एग्जिस्टेंस रही है, जब से युद्ध भी हुए हैं, वो भी एक तरह से विश्व युद्ध रहे हैं, तो उसमें भी जो समझदार लोग हैं उन्होंने अपनी समझदारी से काम दिए हैं। स्पेनिश फ्लू भी रहा है 100 साल पहले, प्लेग भी फैला है, तो इसमें सबने समझदारी दिखाई है। आपको भी इस समय ऐसे ही समझदारी दिखानी है। अब हम बात करते हैं, वायरस हो गया, पैंडेमिक हो गया, अब इस डिसीज़ का बड़ा मोटा मोटा सा आइडिया सभी को मालूम है। ये वायरस क्या करता है? सबसे पहले नाक में जाएगा, वहाँ आपकी स्मेल को डिस्टर्ब करेगा, गले में जाएगा, मुंह में जाएगा, वहाँ आपके टेस्ट को डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा गले में जाएगा, वहाँ खांसी करेगा, चेस्ट में जाएगा, वहाँ आपको सांस लेने में तकलीफ़ करेगा, कफ भी करेगा, वहाँ से अगर ब्लड में चला गया तो वीकनेस करेगा ब्लड में, और ज़्यादा उसमें अमाउंट में चला गया जिसको बॉडी कंट्रोल कर सकती है तो लो ग्रेड फीवर करेगा, ब्लड में उस अमाउंट में चला गया कि बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती तो हाई ग्रेड फीवर करेगा।
किसी सिस्टम में चला गया, हार्ट में चला गया, वहाँ ब्लॉकेज कर देगा, हार्ट अटैक कर देगा। ब्रेन में चला गया, ब्रेन स्ट्रोक कर देगा। लिवर में चला गया, लिवर के एक हिस्से को डैमेज कर देगा। किडनी में चला गया, उसको डैमेज कर देगा। तो वायरस जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ इसके इफेक्ट जाएंगे, वायरस इन द सेंस जहाँ जहाँ इसके इफेक्ट जाएंगे वो उसको इन्वॉल्व करेगा। तो हमें समझ ये बनानी है, मैं इसको बस ब्रीफ में ख़त्म करना चाहूँगा। यदि आपको स्मेल नहीं आ रही, सबसे फर्स्ट साइन स्मेल है, स्मेल नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आपको ये वायरस का इन्फेक्शन होने का संभावना है। तो आप समझ जाइए कि आपका वायरस नाक में जा चुका है, वो वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, बहुत ज़्यादा सेल्स को इन्वॉल्व करेगा, उन सेल्स को हमारी बॉडी डैमेज करेगी। तो उसके बाद कंजेशन भी आ जाएगा, कंजेशन मतलब नाक बंद होना। उसके बाद गले तक पहुँच गया तो वहाँ आपकी गला कटना शुरू हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा, और नीचे गया आपको खांसी आएगी, और नीचे चला गया फेफड़ों में तो आपकी सांस फूलेगी। मतलब सांस फूलना, खांसी आना, टेस्ट ना आना और स्मेल ना आना, नेजल कंजेशन, ये सब आपकी शुरुआती लक्षणों में आ जाएंगे। अगर यहाँ तक बीमारी रहती है तो हम इसको लोकलाइज डिसीज़ बोलते हैं, और लोकलाइज डिसीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, गर्म पानी पीना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, शुगर को मेंटेन करना है, और फिर हल्का फुल्का हरारत वगैरह लगे तो पैरासीटामोल, एलर्जी नाक से पानी बह रहा हो, मोंटेरेल सी, विटामिन सी, विटामिन डी, और इन दवाइयों से आपका काम चल जाएगा। आपने रेस्ट करना है, मास्क पहनना है, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। ये लोकलाइज डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट हो गया। अब यदि ये ब्लड में चला जाता है तो आपको वीकनेस आएगी, कंट्रोल कर रही बॉडी तो फीवर हाई कम लो ग्रेड आएगा। अगर ये ब्लड में पहुंच गया और बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही तो ये हाई ग्रेड फीवर से लेके आएगा। अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि या तो वायरस अनकंट्रोल्ड है या फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया ने आप पे अटैक कर दिया है। तो जब आपकी इसको हम बोलेंगे सिस्टमिक डिसीज, जब सिस्टम में पहुंच जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले फीवर आएगा तो फीवर के लिए पैरासीटामोल लेनी है। चूँकि इसके साथ और बैक्टीरियों का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है हाई ग्रेड में, तो आपको अच्छी से एक एंटीबायोटिक रखनी है। क्योंकि ये शुगर को भी डिस्टर्ब करता है तो आपको शुगर मॉनिटरिंग करनी है, अगर डिस्टर्ब हो रही है तो आपको इंसुलिन शुरू करना है। उसके बाद क्योंकि ये ब्रेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, वहाँ ब्लॉकेज करता है, तो हम लोग एस्प्रिन या क्लेगजेन, ये खून को पतला करने वाली दवाई शुरू करते हैं। ये एक मोटा मोटा समझने के लिए है, देने के लिए नहीं है, इसके आपको सारे डॉक्टरों से ही आपको डिस्कस करना है। मैं एक आपको एक समझ बना रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके सिस्टम को हाई ग्रेड फीवर हो, आप अपने डॉक्टर के पास हैं, वहाँ प्रॉपर सलाह लें। उसके बाद डॉक्टर टेस्ट कराएंगे, जैसे क्या क्या टेस्ट कराते हैं, सबसे पहले CBC जिसमें आपकी लिम्फोसाइट बढ़ सकती है, LFT इसमें SGOT SGPT बढ़ते हैं, किडनी का टेस्ट कराएंगे उसमें क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ सकता है, आपको इन्फेक्शन बॉडी में है, फीवर ज़्यादा है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ सकता है, प्रोकैल्सिटोनिन है वो बढ़ सकता है, LDH बढ़ सकता है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ सकता है। उसके बाद आप CT स्कैन कराएंगे छाती का, HRCT कराएंगे तो पूरे फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है साफ साफ। तो ये सब टेस्ट करने का उद्देश्य है, जिससे एक डॉक्टर कोई भी होगा आपको चरणबद्ध टेस्ट वो एडवाइस करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। डाइट को हमेशा ध्यान रखना है, शुगर का हमेशा ध्यान रखना है, रेस्ट करना है, मास्क पहनना है, हमेशा किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से नहीं टच करना, अगर टच करना पड़े तो आपको सैनिटाइजर या हाथ धोने से चलेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इस वायरस में सबसे अलग है कि ये कभी 30 से 34 दिन तक कभी कभी फेफड़ों को उस हद तक इन्वॉल्व कर ले रहा है कि आपके फेफड़े 70 से 80% तक डैमेज हो जा रहे हैं, और मेन मॉर्टेलिटी का या मृत्यु का कारण यही है। इसकी समझ बनाना ज़रूरी है, इसको रोकना भी ज़रूरी है। इसी को रोकने के लिए हम लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं या फिर एक और भी दवाइयाँ महंगी सी,
वो भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, ये वायरस टाइप 2 नीमोसाइट और टाइप 1 नीमोसाइट दो तरह की सेल होती हैं, वहाँ ये वायरस उन सेल को कैप्चर कर लेता है, उनकी मशीनरी को कैप्चर कर लेता है, जिनको कैप्चर कर लेता है अपनी प्रोटीन बनाता है। जब इसकी अपनी प्रोटीन बनती हैं तो सेल के ऊपर वो प्रोटीन दिखाई देती हैं, हमारी बॉडी उन प्रोटीन वाली सेलों को रिकॉग्नाइज करती है कि ये वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इनके अंगेंस्ट में हमारी बॉडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन क्रिएट करती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये जितनी भी सेल्स होती हैं जिनमें वायरस होता है उन सबको डैमेज कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये सारी सेल डैमेज हो जाती हैं तो हमारे लंग्स में अपना काम करने भर के लिए सेल नहीं बचती, वो कंडीशन सबसे ज़्यादा सीरियस होती है। और जो इम्यून रिएक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन स्टॉर्म। उस कंडीशन में हमें एटरनासेप्ट जैसी बीमारी जो दवाइयाँ सॉरी माफ़ कीजिए इंजेक्शन एटरनासेप्ट जैसे इंजेक्शन हमें देने पड़ते हैं जो इस इंटरल्यूकिन 6 को रोकते हैं। तो ये इस दवाई का यूज है। बाकी जब तक ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है या फिर थोड़ा सा अवेलेबल कराने में टाइम लगता है, जब तक हम स्टेरॉइड हाई डोज देके इसको कंट्रोल करते हैं, साथ साथ हम शुगर की मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो नट सेल हमारे डिस्कशन का यही था कि ये वायरस है, नाक में घुसता है, नाक में कंजेशन करता है, स्मेल जाती है, रनिंग नोज होती है, गले में जाता है तो फेरेंजाइटिस होती है, टेस्ट नहीं होता, और नीचे जाता है खांसी करता है लंग्स में, सांस फूलती है, ब्लड में जाता है बहुत ही कम होता है तो कमजोरी वो मैलेज टाइप का होता है और लो ग्रेड फीवर होता है, अनकंट्रोल फैला होता है ब्लड में, हाई ग्रेड फीवर होता है, हार्ट में जाता है हार्ट अटैक करता है, ब्रेन में जाता है स्ट्रोक करता है, लीवर में जाता है लीवर को डैमेज करता है, किडनी में जाता है किडनी को डैमेज करता है, आंत में जाता है डायरिया कर देता है। तो ये वायरस जिसमें भी जाता है वही डैमेज कर देता है। इन सब के लिए अलग अलग कोई दवाई नहीं है। अभी मेरी सलाह ये है आप घर में रहें, बिना किसी कारण के घर से ना निकलें, मास्क पहने, बाहर जाना पड़ता है तो अनावश्यक किसी चीज़ को ना छुएं, छुएं तो आप हाथ धोएं, गले ना मिलें कुछ दिन के लिए, हाथ ना मिलाएं, नमस्कार से काम चलाएं, और ऊपर वाले को याद रखें। मुझे उम्मीद है जैसे और परेशानियां कट गई तो ये भी कट जाएगी। बाकी जय हिंद जय भारत, भगवान सबका भला करें। नमस्कार।